डॉक्टर प्रसाद ब्यूरे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन मणिपाल हॉस्पिटल बाड़मेर। मैं आज आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो है कोविड। फिर से आया है, हाँ आया तो ज़रूर है, लेकिन एक मैसेज मैं आप सबको आज देना चाहता हूँ। आपकी समझ ज़्यादा महत्व रखती है, ना कि डर। समझ डर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो आप इस कोविड के साथ फिर से अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बना पाओगे। एक कोविड आज जो पिछले 2-3 हफ्ते से जो कोविड हम लोग नोटिस कर रहे हैं वो क्या है, वो ओमाइक्रॉन का ही वेरिएंट है। मानो ओमाइक्रॉन पिछले कुछ दिनों से एक म्यूटेशन ढूंढ ही रहा था, उसको मिल गया, इसलिए एक ओमाइक्रॉन का नया वेरिएंट आया है जिसको हम बोलते हैं JN1। तो अभी पिछले 2-3 हफ्तों से जो कोविड के केसेस आ रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं, अभी पूना में तो वैसे कम हो रहे हैं, लेकिन जो भी अभी हो रहे हैं 70 डिटेक्ट, वो JN1 के केसेस है। ये सेम है जैसे पिछला कोविड था, लेकिन इस बार बदलाव क्या है, तो हम लोगों के बीच जो इम्यूनिटी है, क्योंकि या तो हम लोगों को पहले से कोविड हो चुका है मोस्ट ऑफ द हम लोगों को, या तो हम लोगों ने वैक्सीन ले चुके हैं, हम लोग वैक्सीन ले चुके हैं। हाँ, कई लोगों ने वैक्सीन सिर्फ 2 वैक्सीन लिए, बूस्टर नहीं लिया है, तो बूस्टर आपको इमीडिएटली लेना चाहिए। अगर कोविड के कुछ सिम्टम्स लगते हैं आपको मास्क यूज करना चाहिए। आपको जब आप सिम्टोमेटिक हो तो पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए, और अगर कुछ भी लगता है कि कुछ हो रही है गड़बड़, फॉर एग्जाम्पल कफ है, कोल्ड है, फीवर है, बुखार है, खांसी है, सर्दी है, तो इमीडिएटली आप आपके डॉक्टर के पास जाके अपने दिखाना चाहिए। तो वही सेम है जो हम पिछले कोविड में कर रहे थे, कोई डरने की बात नहीं। और डेफिनेटली जो इम्यूनिटी वैक्सीन के लिए, वैक्सीन के बाद या फिर कोविड हो जाने के बाद डेवलप हुई है, उसके बाद कोविड गंभीर रूप लेने की संभावना बहुत कम है। तो इस कोविड को डरिए नहीं, बस अपनी समझ बढ़ाइए, और कुछ भी लगता है तो अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए, मास्क का वापर कीजिए, और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो तुरंत वैक्सीनेशन करवाइए।